गया से एक नाबालिग के साथ रेप की खबर सामने आई है। पहले दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर मामले की सुनवाई के लिए बैठी पंचायत में नाबालिग लड़की को ही दोषी करार देकर उसके बाल मुंडवा दिए और पूरे गांव में उसे घुमाया। दिल हिला देने वाली यह घटना बिहार के गया जिला स्थित मोहनपुर प्रखंड में हुई। न्याय के लिए लड़की ने सीधे पुलिस महानिदेशक को फोन किया था। पीड़ित लड़की का कहना है कि वह 14 अगस्त को मोहनपुर प्रखंड के एक गांव में अपने घर से निकली थी। शाम के 7 बज रहे थे, तभी एक सवारी गाड़ी पर 6 लोगों ने उसे अगवा कर लिया। कुछ समय बाद वह बेहोश हो गई। दूसरे दिन होश आया तो उसने खुद को खून से लथपथ आपत्तिजनक अवस्था में पाया। किसी ने उसे देखकर घर वालों को सूचना दी। पीड़िता ने माँ को आप बीती सुनाई। उसने घटना में शामिल एक युवक को भी पहचान लिया था। इसके बाद गांव में पंचायत बैठी, लेकिन पंचायत ने लड़की को ही दोषी ठहराकर तुगलकी फरमान सुनाते हुए उसका सिर मुंडवाकर उसे पूरे गांव घुमाया। इस दौरान सांस चल रहे लोग लड़की व उसके परिवार पर छींटाकशी भी करते रहे। पुलिस ने मोहनपुर थाने में FIR दर्ज कर ली है। मोहनपुर थाने के SHO का कहना है कि मामले में जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। छोटी बच्ची से 15 वर्ष की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया है, जिसमें कांड अंकित कर लिया गया है। बच्ची को चिकित्सा जांच के लिए ले जाया जा रहा है। जी मैम, किस थाना का मामला है ये? मोहनपुर थाना क्षेत्र का मामला। और ये क्या कार्रवाई की जाएगी? चिकित्सा जांच के अनुसार जो भी आएंगे अगतर कार्रवाई, अनुसंधान और छापामारी की जाएगी। मामला दर्ज हो गया? मामला दर्ज हो गया।